ये कहानी है इस खाली जमीन से, हमारे सपनों का घर बनने तक की। एक गुड न्यूज तो आपको पता चल गई है, दैट वी बॉट अ हाउस इन कैनेडा। अब इतने सारे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेके कैनेडा में बहुत एक्सपीरियंस हो चुका था, सो दूसरी गुड न्यूज भी उससे रिलेटेड है। आफ्टर गेनिंग सो मच नॉलेज अबाउट रियल एस्टेट, आई थॉट कि मैं सब लोगों की हेल्प कर पाऊं, जो भी न्यू कमर्स आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम होम बायर स्पेशली, सो मैं ऑफिशियली सबकी हेल्प कर पाऊं। इसलिए मैंने रियल्टर का लाइसेंस भी ले लिया है, जो कि थोड़ा मुश्किल था, वो किसी डिफरेंट वीडियो में उसकी बात करेंगे। सो अगर आप कैनेडा में घर लेना चाह रहे हो, यू कैन गेट इन टच विद मी। और अगर आपका मॉर्गेज से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, सो यू कैन गेट इन टच विद मनप्रीत, बिकॉज़ आई एम अ मॉर्गेज स्पेशलिस्ट। इसलिए हमारे वीडियो बहुत काम आ रहे थे, बिकॉज़ हम पढ़ाई कर रहे थे मॉर्गेज स्पेशलिस्ट की एंड रियल्टर की। तो किसी भी डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे, बट आज का वीडियो है इज अबाउट दिस हाउस जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं। सो ये थोड़ा वीडियो हमने स्पेशल बनाने की कोशिश की थी, 2 साल पहले हमने ये घर लिया था और इसकी पूरी 2 साल की जो जर्नी है वो हमने रिकॉर्ड की है स्टेप बाय स्टेप। पहले घर बुक कराने से लेके पेरेंट्स को घर दिखाने से लेके जब बेसमेंट बनी है, जब घर की फ्रेमिंग हुई है, रूफिंग हुई है, तो वो 2 साल का एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। थोड़ा लंबा वीडियो है, बट जो एक्साइटमेंट होती है एक नए घर की, जो इमोशंस होते हैं, हमारे इमोशंस थे, रॉ इमोशंस थे, वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। बिकॉज जब हम देख रहे थे ना वीडियो, हम भी इमोशनल हो गए थे। तो पहला जो सीन है वो 2 साल पहले का है, जब हम घर बुक किए कराने आए थे, कोविड टाइम था, बहुत मुश्किल से घर मिल रहे थे। सो चलते हैं वापस मई 2021 में, जिस दिन हमने एक घर बुक कराया था। किसी को एक्सपीरियंस देखना है ना, अगर नया घर कैसे लेते हैं किसी पॉपुलर प्रोजेक्ट में, भाई साहब हमारी लगी पड़ी है। कल पता नहीं मनप्रीत को क्या हुआ, मनप्रीत ने फोन करा उसको, क्योंकि हमें पता नहीं था कि सेल स्टार्ट हो चुकी है, कोई ईमेल्स नहीं आ रही थी, फाइनल फेज लिखा हुआ पीछे, बट अभी भी कुछ नहीं आता, पता कमिंग सून आ रहा सब जगह। इसने फोन किया, उसने बोला हाउ फार आर यू फ्रॉम द सेल्स ऑफिस, मनप्रीत बोला 20 मिनट्स। भाग के हम आ गए, 3 घंटे वेट करे और उसने भगा दिया, कह रहा कि कल आना क्योंकि अभी भीड़ है और ऑफिस क्लोज हो रहा है। आज फिर कॉल छोड़ के हम वापस आए, अभी वेट कर रहे हैं। मतलब इतने लोग पागल है, 1.31 हम भी पागल ही हैं, क्योंकि सस्ता मिल रहा है यार। मतलब अगर देखा जाए 3,000 स्क्वायर फीट का घर 1.3 में अगर मिल रहा है, सस्ता ही है, तो लोग ऐसे बस अंदर जाते हैं, लिफाफा लेके आते हैं, पागल है, क्रेजी है अभी तो मार्केट। 2 दिन के अंदर ही आई थिंक कल सोल्ड आउट भी हो जाएगा ये। हम थोड़े से नर्वस भी हैं, वरिड भी हैं कि इतना हम बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कैसे हो पाएगा मैनेज। सो ट्रीटमेंट कैसे मिल रही है आपको, कि आप आलू गोभी लेने आए हो? सीरियसली, मतलब उधर जाएंगे ना अभी, कह रहा कार में जाके बैठो, ठीक है, पुलिस आ रही है यहाँ पे हमारी ले लेगी, कह रहा पार्किंग दूसरी साइड करो, सो दैट मतलब मैं देखता रहूं और जैसे अंदर फ्री होगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। भाई साहब ऐसा लग रहा है कि कोई $5 का कुछ सामान ले रहे हैं, 1.3 मिलियन का कुछ नहीं ले रहे सामान। और फिर 2 घंटे वेट करने के बाद हमें अंदर एंट्री मिली और मनप्रीत ने डॉक्यूमेंट साइन करने स्टार्ट किए। माय हैंड्स आर शेकिंग। और उसके बाद टाइम था एक्सटीरियर अपग्रेड सिलेक्ट करने के, जो एट द टाइम ऑफ बुकिंग सिलेक्ट करने पड़ते हैं। बहुत कंफ्यूजन हो रही, डर लग रहा है बहुत मेरा तो। हाँ जी मैडम, क्या हाल चाल है? दिल धक धक कर रहा है बहुत ज़्यादा। आई होप हमने राइट डिसीजन लिया हो यार, बहुत मुश्किल है नए घर लेना, हमसे पूछो। पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे इसका कभी मौका मिला तो, बट अभी बहुत टेंशन हो रही है। मतलब लिटरली इतना स्ट्रेस था ना कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जब तक आप बात कर रहे हो उतनी देर में कोई और फाइनल कर देता है उस घर को। तो थैंकफुली हमने जो सोचा है, जो हमारे माइंड चले और हरमीत जी ज़्यादा एक्सपर्ट है इनमें, तो उन्होंने जो डिसाइड किया है, आई होप कि ये अच्छा घर हो। मिलेगा तो आपको वहाँ आगे की वीडियो वहाँ दिखेगी कभी, बट वी आर होपफुल कि हमने जो डिसीजन लिया वो अच्छा हो। ये देखो ऐसे यहाँ पे ब्रिक्स विक्स सब लगे होते हैं, सब कुछ इंस्टेंटली डिसाइड करना होता है, और वो लाइफ लॉन्ग या तो बहुत अच्छा डिसीजन होता है या बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है। वी जस्ट होप के जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो, क्योंकि हम ऑलरेडी इतने अच्छे घर में रह रहे हैं, हमारा बिल्डर पहले इतना अच्छा था, तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा ही है इस टाइम। चलो, ये उस बंदे की शक्ल है जो बिना नहाए आ गया और 1 मिलियन का घर लेके जा रहा है, और जिसका हार्ट अभी भी इतना तेज वो हो रहा है। बट आई थिंक हमने राइट डिसीजन लिया है। ये वीडियो हम आज से 3 साल बाद जब देखेंगे तो वी शुड बी हैप्पी अबाउट आवर डिसीजन व्हाट वी मेड टुडे। द आयरनी इज के इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, तो जो बेचारा हमारा रियल्टर था वो भी बाहर बैठा हुआ है, उसको भी अंदर नहीं जाने दे रहे। सो आई कैन इमेजिन कि कितना मुश्किल था, और वी जस्ट आई वुड से वी आर वेरी लकी एंड थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू एवरीवन हु लव्स अस सो मच कि हम अंदर जा पाए। दैट वाज द बिगेस्ट चैलेंज। तो अब आई होप हमने राइट डिसीजन लिया है। तो बाबूजी आज फिर मनप्रीत जी उसी जगह पे आ गए जहां पे रोज जा रहे हैं। प्लॉट देखना है अपना, प्लॉट दिखा रहे, प्लॉट कौन सा है? वो वाला, ये वाला है जी हमारा,
मेरे को लग रहा है फ्लडिंग हो रखी है, देखो पानी गिरा हुआ वहाँ पे। धूप आ रही है, अच्छा लग रहा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देख के लिया तुमने? डायरेक्शन देख के लिया है, क्योंकि हमारा जो अभी घर है वो भी नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है और बहुत धूप आती है पीछे जहाँ हमें चाहिए होती है, तो उस हिसाब से मुझे इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मिली है हमें और धूप आएगी पूरा दिन। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी खाली प्लॉट पे प्लॉट देखने आया, अभी इतना पैसा खर्च करके 4-5 बार तुम यहाँ होके आ चुके हो लेने से पहले, अब तो ले ली, अब तो नाचो जाके वहाँ। देखो ऐसे दिखता है जब आप लेते हो प्री कंस्ट्रक्शन, कुछ नहीं पता होता क्या बनेगा एक्चुअली, बस डायरेक्शन बहुत ही मतलब इट्स लाइक गैम्बल के आपने जो पैसे लगाए हैं और सब कुछ किया है तो आप जो इमेजिन कर रहे हो वैसा ही निकले। लेट्स सी, अब बाबा जी पे छोड़ दिया है, जो होगा देखा जाएगा। अब शक्लें हमारी पे फोकस मत करो क्योंकि हम ऐसे उठ के आए हैं घर से बिना नहाए आ गए, क्योंकि यहाँ अगर आप 5 मिनट लेट हुए वो प्लॉट 2 मिनट वो वाला स्लॉट चला जाएगा आपका, कोई और साइन करेगा, क्योंकि लोगों को पता है वैल्यू ना घर की, हमें भी बहुत पता है। So, इस बार इसलिए हम प्रिपेयर होके आए थे, चेकबुक हमने गाड़ी के अंदर रखी हुई है। इमेजिन बाबूजी हम देखने हैं घोसला का घोसला, ये अपना प्लॉट देखने आए जहाँ पे अभी फ्लडिंग हो रखी है एक्चुअली में, ऐसी मजा आ रहा है खाली प्लॉट देखने में, मजा आ रहा है। देखने आए कि कौन सा वाला, अभी पता नहीं चल रहा कुछ भी। मनप्रीत बताएगी कौन सा तुम्हारा, वो रहा 510, वो लिखा हुआ 510 कहाँ से शुरू हो रहा है 510, वो लिख पास जाके दिखाते हैं। जी ये है हमारा घर, वेलकम टू अवर हाउस, ये हाउस टूर है हमारे घर का 510। नहर बह रही है यहाँ पे और हाउस टूर आपको मिलेगा इसका बहुत जल्दी 2023 तक, 2023 तब तक देखो क्या होता है, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी यहाँ पे नाला बह रहा है, ये याद आएंगे, यही तो दिन याद आएंगे, यही पल तो याद आएंगे, यहाँ पे तुम्हारे किचड़ पड़ा हुआ था, बिना नहाए उठ के आ गए थे। चलो वी आर हैप्पी। हाँ जी ये है हमारा घर। जो लोग ये वीडियो देखेंगे इतना हंसेंगे ना, बट अभी खुशी इतनी ज्यादा हो रही ना, वी कांट एक्सप्रेस इट। ये इस तरह से मतलब फनी हरकतें करके हम वो कर रहे हैं, अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, बट वी आर हैप्पी, वी आर सो हैप्पी, सीरियसली आई होप वी मेड अ राइट डिसीजन। सो सब कुछ अच्छा हो गया तो भगवान को थैंक यू करना तो बनता है। हम आए ओकविल के गुरुद्वारा साहब, कोविड की वजह से बंद है सब कुछ, बाहर से मत्था टेक के, बहुत ज्यादा मतलब अभी यहाँ पे लॉकडाउन ही चल रहा है, बेसिकली लॉकडाउन है, सो बाहर से मत्था टेक के निकलेंगे। जैसे आपने देखा कि हमने बहुत ही क्विकली डिसाइड किया था कि हमें कौन सा घर लेना है, वो फाइनलाइज कर लिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, एग्रीमेंट होता है, वो बिल्डर लेने के लिए बुलाता है, सो उसके लिए आज हम जा रहे हैं। एंड वो इट्स काइंड ऑफ ए कॉन्फर्मेशन कि आपने जो घर लिया था वो आपके नाम पे कंफर्म हो चुका है। मॉर्गेज एंड एवरीथिंग विल स्टार्ट लेटर, बट दे आस्क यू फॉर योर लॉयर्स डिटेल्स, तो वो सब भी हमने ले लिए डिटेल्स, हम वी विल गो एंड गिव इट टू देम। तो एक्साइटमेंट हो रही है, देखते हैं जाके लेके आते हैं, पेपर से बाद में आएंगे तब एक फील आएगी कि हाँ सही में हमने घर ले लिया है। बिल्डर के ऑफिस जा रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, आई होप जब ये वीडियो डलेगा तब तक मास्क वाला सीन खत्म हो चुका होगा, कोविड खत्म हो चुका होगा। लेट्स गो, हम लेके आ गए फाइनली एग्रीमेंट के कागज, पक्के फाइनली अब घर तुम्हारा हो गया। पैसे नहीं दिए अभी, बट अभी भी 10 दिन है, हम बैकआउट कर सकते हैं, अभी बताता हूँ गाड़ी में जाके। तो बेसिकली जब आप बिल्डर के साथ भी साइन करते हो आपको 10 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, आप बैकआउट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उस दिन से आपका घर हो गया, आप बैकआउट कर सकते हो, आप कुछ ग्रेस पीरियड हर बिल्डर देता है। जैसे आप रीसेल प्रॉपर्टी भी लेते हो, पुराना घर भी लेते हो, तब भी आपके पास क्लॉज होता है कि 10 दिन तक आप बैकआउट कर सकते हो, नो कंडीशन होता है बेसिकली सेल प्रॉपर्टी में कि हम कोई कंडीशन नहीं दे रहे, कंडीशन ये होती है कि हाँ मॉर्गेज अप्रूव हो जाए या फिर इंस्पेक्शन प्रॉपर हो जाए, लेकिन न्यू प्रॉपर्टी में भी आप 10 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। तो मनप्रीत अगर अपना माइंड चेंज करती है तो हम वापस कर सकते हैं, मतलब चेक हमारी पेमेंट वापस मिल जाएगी, मतलब अंदर 25% कैपेसिटी है अभी भी, हमें उसने पूरा अंदर नहीं लेके गए, सिर्फ एंट्री पे ही अंदर हमें एंटर करवा के साइन करवा लिया एग्रीमेंट पे। सो बहुत मुश्किल सिचुएशन है अभी, इनका फाइन भी हुआ आई थिंक, क्योंकि अंदर इन्होंने बहुत लोग एंटर करवा दिए थे लास्ट वीक, सो कॉप्स आए थे और चलान भी कट गया। और इस जगह पे आए हैं तो मनप्रीत को अपना घर देखना ही है, चाहे वहाँ पे कुछ बना नहीं हुआ, वहाँ पे खाली जमीन है, तब भी अब देखना है तुम्हें कुछ। अब देखो 2 साल तक जब तक घर नहीं मिल जाता तब तक यही लगा रहेगा, आते रहेंगे यहाँ पे, बिकॉज यार ये 2 साल पता नहीं कब निकल जाएंगे, मतलब भगवान सब सुख रखे। बट ये कि अब एक एक्साइटमेंट होती है ना, कभी डेकोर अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं हम, कभी स्ट्रक्चरल के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी फेज 1, 2 और 3 के घर बने हुए हैं, सो थोड़ा सा एक आइडिया मिलता रहता है, सो एक्साइटमेंट तो होती है। कहने को ये हमारा फर्स्ट होम नहीं है, बट फिर भी एक्साइटमेंट उसी लेवल की है, क्योंकि अब हमें कुछ ज्यादा चीजें पता है तो हम ज्यादा अच्छे से देख पा रहे हैं, मतलब कर कुछ नहीं सकेंगे हम, किसी और की खिड़की घर की छोटी होगी तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, बट एक आइडिया लेने के लिए एक्साइटमेंट है। चलो गेड़ा मार के आते हैं। जी आ गए हैं अपने घर में, प्लॉट पे आ गए हैं, प्लॉट पे। उस दिन भी तुमने प्लॉट देखा था, अभी कोई चेंज नहीं हुआ, वैसे ही पड़ा हुआ है, कीचड़ वहाँ पे पड़ा हुआ, पानी सूख गया वहाँ पे, तब भी तुम्हें देखने आना है।
तो इस प्रोजेक्ट में दो बिल्डर हैं, स्टार लेन और ग्रीन पार्क। मनप्रीत को ग्रीन पार्क के देखने थे, तो आई थिंक ये सारे ग्रीन पार्क के हैं, बट ये बेचारे डब्बे से बने हुए, अभी ये पूरे बनाए नहीं, तो ऐसी आइडिया नहीं मिलेगा। तुम्हें विंडो का साइज पता चल जाएगा, देख लो। बड़ी है विंडो साइज, तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, 10 दिन है तुम्हारे पास। एंड जब आप नया घर बुक कराते हो तो आपको इतनी एक्साइटमेंट होती है कि आप बार बार घर देखने के लिए आते रहते हो। सो वही हम कर रहे थे पूरा टाइम। जब भी इस एरिया के आसपास से निकलते थे तो हम घर देखने आ जाते थे। नहीं, आसपास नहीं, कई बार स्पेशली भी आए हैं हम लोग। स्पेशली आते, वो एक्साइटमेंट होती है, नए घर की एक्साइटमेंट होती है। जब भी आप घर लोगे कनाडा में, आपका मन करेगा कि आप एक बार देख लो, दो बार देख लो मूव इन होने से पहले। सो वही एक्साइटमेंट थी और हम बार बार देखने आ जाते थे। आज है 14th August 2021 और आज हम अपना घर देखने आए हैं। फिर से अभी मतलब से 2 महीने भी नहीं आए देखने, और घर क्या भाई, ये छप्पड़ लगा हुआ है यहाँ पे, लेक बनी है, ओंटारियो लेक, कुछ भी नहीं, ओंटारियो बनी हुई है। बट हाँ, अभी जैसे जितना ये पूरा खाली है ना, यहाँ 2-3 साल में क्या होने वाला है हाल, बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है ये अभी। बहुत चौड़ी रोड लग रही है ना, यहाँ पे पार्किंग करने की जगह नहीं बचेगी आप। बट अच्छा है, एक्साइटमेंट होती है, आगे देखो है ना, ऐसे हम आते रहेंगे, हम और क्लिप्स बनाएंगे। और जब ये वीडियो पोस्ट होगा तब हम थोड़े से बुड्ढे हो चुके होंगे आज से 1-2 साल बाद, बट फिर भी, और थोड़े मोटे भी हो गए होंगे शायद। ड्रोन शॉट ले ली है तो वो एंजॉय कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट डे के वीडियो क्लिप में। उसके बाद हम न्यू ईयर पे देखने गए घर, बट उस दिन मनप्रीत का मूड ऑफ हो गया। आज हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। और मनप्रीत जी ने बोला आज फिर से हम अपनी साइट घर की देखने चलेंगे, और थोड़ा सा मनप्रीत को शॉक लगा, बिकॉज प्रोग्रेस ये हुई है कि इन्होंने अब ये वाले मार्क्स मार्किंग कर दिए कि आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे घर खत्म हो रहा है, बैकयार्ड कितना है। तो पहले तो मनप्रीत थोड़ी देर दुख में रही, उसके बाद कह रही है क्या मैं लकड़ी निकाल के थोड़ी आगे कर दूं। छोटा लग रहा है काफी, पता नहीं स्टार लेन बिल्डर था, उसने भी प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे, सेमी डिटैच और टाउन हाउस, वो बन चुके हैं, वो मैं दिखाता हूँ। 2 महीने पहले आए थे हम। हाँ, अगर दिख रहा होगा ये आपने पिछले वाले शॉर्ट्स में देखा होगा, ये वाले जमीन थी सिर्फ, इन्होंने बना भी दिया 6 महीने के अंदर टंकी के सामने जो है। और मनप्रीत जी तो अभी सदमे में, उभरने में थोड़ा टाइम लगेगा। हैप्पी न्यू ईयर हो गया, 2022 की शुरुआत। बट जिस हिसाब से प्राइसेस बढ़ रहे हैं ना रियल स्टेट के, इट इज गुड। जितना जल्दी ले लो आप रियल स्टेट में, जितनी जल्दी इन्वेस्ट कर लो उतना ही अच्छा है। और कॉन्टैक्ट कर लो नीचे अगर आप रियल स्टेट में इंटरेस्टेड हो, आई विल गेट यू द बेस्ट डील, एंड मनप्रीत जी आपकी हेल्प कर देंगे मॉर्गेज में, बिकॉज अब इतना हमें एक्सपीरियंस हो चुका है। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि ये पूरी जो स्टोरी है 2 साल की है, सो इस 2 साल में बहुत कुछ हुआ, हमारे पेरेंट्स भी आए थे, सो अब टाइम था अपने पेरेंट्स को ये घर दिखाने का जितना भी बना हुआ था, और वो भी हमारी तरह बहुत एक्साइटेड थे। ऑफकोर्स उनको पता है कि उनके बच्चों ने कुछ अचीव करा है, तो बहुत खुश थे वो भी, एंड दे वर वेरी एक्साइटेड टू सी द हाउस। आज है 7 जुलाई और 2022 6 महीने बाद हम घर देखने आ रहे हैं, बिकॉज इंडिया चले गए थे और मम्मी पापा भी आए हुए हैं अब, तो हमने सोचा कि मम्मी पापा के साथ ही आएंगे। और अब हमें एक न्यूज़ मिली है, क्योंकि हमारी वायरिंग अपॉइंटमेंट थी जो वो इंटरनेट की केबल वगैरह डालते हैं, तो उसने हमें बताया कि आपका घर तो बन चुका है, हमें पता ही नहीं 6 महीने पहले गए थे। तो अभी इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी ना, हमने बोला चलो भाई तो अब देखने चलो, और मम्मी पापा को भी अब पहली बार दिखाते हैं। पहले हम बोली जा रहे थे उनको कि जमीन है अब घर बन चुका है, मजा आएगा, चलते हैं देखने घर। अब ब्रेक देख लो, तुम सब कुछ देख लो। ये देखो ऐसा लग रहा है अभी हमें घर, बाहर से हमने देखा है ब्रिक कलर जैसे मनप्रीत ने सोचा था, कैसा लग रहा है मनप्रीत बताइए। यार सबसे लाइट यही था तो उस हिसाब से ठीक है, नॉट बैड, आसपास वालों से बेटर लग रहा है। हाँ, कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ, अभी ना देखो हमें तो पता है कि क्या क्या कहाँ पे है, मम्मी पापा को भी आइडिया नहीं हो रहा होगा कि क्या है ये, तो लकड़ी के ढांचे बने हुए। बट बाहर से कैसा लगा? बाहर से बहुत अच्छा लगा। ठीक है, और हम परमिशन लेके आए बिकॉज अभी सब जो यहाँ पे कर रहे थे काम
काम वो चले गए हैं शाम को, तो मेरे को तो समझ आ रहा है कि इसके ऊपर मास्टर बेडरूम है और वॉशरूम कहाँ पे है, मनप्रीत को नहीं पता चला। बट नीचे का ऑफिस हमने देख लिया, ऑफिस ठीक है, बेड बेड आ जाएगा, उसको ऑफिस भी बना सकते हैं, बेड भी रख सकते हैं ना, छोटा सा रूम। क्या अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा आइडिया। अभी ना मनप्रीत कह रही कि ये स्टेयर्स इतनी पतली क्यों है, मतलब इतनी नैरो क्यों है। फिर मैंने इसको बताया कि टेम्परेरी ऊपर लगाई है, बाद में लगेंगी एक्चुअल, सो वो सारी अपग्रेडेड वगैरह लगेंगी। अच्छा लग रहा है क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी इतना बना होगा, है ना। अच्छा मम्मी पापा ने भी देख लिया, 6 महीने के अंदर बना दिया ये, ड्राइंग रूम है ये, फैमिली रूम है। सो आई होप कि नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा तो उसमें तो और भी बन चुका होगा, तो मे बी हाउस टूर देंगे। और क्या देखना चाहेंगे आप? साइड में देखो जाके, खिड़कियां देख लो कितनी बड़ी। हां जी, नेक्स्ट टाइम कब आना देखने? दिवाली से पहले, बट मनप्रीत ने मेरे को जबरदस्ती अभी भेजा है कार में से बाहर की डायरेक्शन चेक करके आओ, बिकॉज पहले भी हमने की थी बट अब एक्चुअली में पता चलेगा कि डोर के हिसाब से क्या डायरेक्शन है, एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट। बहुत बढ़िया, मम्मी बहुत मानती है वास्तु शास्त्र में, तो नॉर्थ ईस्ट अच्छी है डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट अच्छी है। और कुछ वास्तु के हिसाब से आपको कुछ बोलना? किचन है जो वो भी अच्छी है। अच्छा, किचन की डायरेक्शन अच्छी है। ये तो अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा इतना, किचन मैंने आधी पंडतानी है, ये आधी पंडतानी है। आपकी जन्म कुंडली देख ली इन्होंने, पंडतानी है, गुण पंडतानी के मिले मेरे साथ। और जैसे हम एक्साइटेड थे, पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, तो जैसे हमारा मन करता था कि हम बार बार जाके घर देखें, उनका भी मन करता था, तो थोड़े दिनों में वो भी बोल देते थे कि चलो देख के आते और कितना बिल्ड हो गया घर। सो इससे हमें प्रोग्रेस भी पता चलती जा रही थी कि कितनी जल्दी घर बन रहा है, बिकॉज मॉर्गेज के लिए हमें रेडी होना था कि एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही घर की क्लोजिंग होगी हम मॉर्गेज के लिए रेडी हों, बिकॉज हमें लग रहा था कि ये प्रोजेक्ट डीले होगा, बट वो आगे आपको पता चलेगा कि डीले नहीं हुआ। सो वो हमें कैसे पता चल रहा था, बिकॉज हम देखते जा रहे थे कि प्रोग्रेस कितनी हो रही है, और विद इन 6 मंथ घर बन गया था। बट पेरेंट्स को बार बार घर दिखाने आना पड़ता था बिकॉज वो एक्साइटेड थे। लाइक ऑल अदर टाइम अनप्लान्ड फिर से घर देखने आ गए और बहुत स्पीड में बना रहे हैं। इस बार क्या बना दिया है, बाहर इन्होंने रूफिंग थोड़ी सी कर दी है, ऊपर जाने की स्टेयर्स लगा दी हैं, तो थोड़ा सा ऊपर भी हम देख के आ गए हैं और अच्छे खासे हैं रूम, बहुत खुले और सबने चूज कर लिया अपना अपना रूम। हाँ, मम्मी कह रही मैं लूंगी, मैं सबने अपना रूम चूज कर लिया। एंड वन मोर थिंग, और भी कुछ लगा है आगे, पोल पोल्स लग गए। हाँ, हाँ, उससे तो लुक अच्छी आ गई है। मुझे लग रहा है, मैं चाहता हूँ थोड़ा लेट हो पोजीशन इसका, बट ये बहुत जल्दी बना, जल्दी बना उतने जल्दी बन। एंड दिस टाइम हम चारों के साथ कोई और भी आया है, उसे भी टाइम लगेगा आने में, 3rd month। बट जब घर की क्लोजिंग होगी ना, उससे पहले वो इस दुनिया में आ जाएगा, तो उसको भी एक बार घुमा दिया हमने, दिखा दिया थोड़ा। उसको हमने अपॉर्चुनिटी नहीं दी रूम सिलेक्ट करने की, आके करेगा वो। और मम्मी पीछे से लकड़ियां चुराने में लगी हुई है, कह रही है छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है घर पे ले जाएंगे, वो खरगोश खाता है, यहाँ कम लगेंगी फिर। ये भी अपना घर है, किसी और का नहीं है, यहाँ की लकड़ियां ले जा रहे हो। छेद है ये, 30 डेज में डाल देना, पीडीआई में डालेंगे हम इसको। और मम्मी ने पहले कर दिया है डिसाइड कि दिवाली पे यहाँ के दिया जला देंगे, घर बनने से पहले ही स्वाहा। नहीं, दूर लगाएंगे यहाँ पे, लकड़ी से दूर लगाएंगे। ये है हमारा घर एज ऑफ 8th August, मेरे बर्थडे पे। अगले बर्थडे पे हम इसमें मूव हो चुके होंगे। हाँ जी, खैर इन वन वर्ड, एक सेंटेंस में कैसा लगा? बहुत बढ़िया, आज डिफरेंस लग रहा है क्योंकि बहुत खुशी हुई देख के मगा, आज अच्छा लग रहा है, बहुत अलग। पिछली बार ना भाई हम टेंशन में हो गए थे, हमें इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक ऐसा लग रहा है कि अभी शिफ्ट हो जाए। हम सोच रहे हैं थोड़ा लेट हो भी, मार्केट डाउन है, लेकिन मम्मी कह रही है मिल जाएगा हमारे जाने से पहले, फटाफट करवा दो। बट जब मिलना है वो तो मिलना ही है बिल्डर से, अब नेक्स्ट टाइम आएंगे मे बी दिवाली के आसपास। जो लोग अगर जल्दी बन गया, अगर जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो महंगा भी ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो दिवाली मनाएंगे यहाँ। दिवाली मने ना मने, डिलीवरी के बाद तो ही अगर पंडित कहेगा तो उनको महंगा भी लेना पड़ेगा, पंडित जी कहेंगे तो लेना ही पड़ेगा। एंड पेरेंट्स के साथ साथ सतबीर एंड फैमिली को भी गुड न्यूज़ दी हमने, वो बहुत खुश हुए, वो भी स्पेशली घर देखने के लिए आए थे, तो उनको बहुत अच्छा लगा था। ऐसे भूत वाली पिक्चर आ रही है, बट हम गलती से ना सतबीर को रात को ले गया, आ गया आज अपना घर दिखाने, और क्योंकि सतबीर को हमें यहाँ पे मूव करना है। और जब भी हम आते ना कुछ कुछ नया बना होता है, अभी यहाँ पे गैराज का नीचे फ्लोर बन गया, बेसमेंट भी बन गई है और फर्नेस भी लग गई है, बहुत जल्दी काम हो रहा है। बट अभी जो इन्होंने डेट दी हमें दी है May 2023 की, तो उससे भी ज्यादा लेट हो सकता है। बट सतबीर से पूछूंगा कैसा लगा अभी तक जितना टूटा फूटा घर बना हुआ। सतबीर को मूव करवाना है, अच्छा तो आर्किटेक्ट
लेआउट जो है लेआउट है ना, आई मीन इट्स ब्यूटीफुल। पांच कमरे वेल यूटिलाइज्ड और दो खुले खुले बड़े लिविंग हॉल्स जो होते हैं प्लस एक रूम नीचे ऑफिस नीचे ऑफिस वाला, उसमें क्वीन बेड भी लगा सकते हैं। हां एग्जैक्टली, वो इतना बड़ा है। चलो कन्विंस करेंगे सतवीर को, दिन में लेके आएंगे सतवीर को मूव करवाना है यहां पे। और बेसमेंट में तीन कमरे बन सकते हैं, सो दिस हाउस इज 8 बेडरूम हाउस इजी। और पापा मम्मी अब जाने वाले हैं इंडिया वापस, तो वो हर जगह कह रहे हैं हमने निशानी छोड़ दी है, तो हर जगह वो एक ओंकार लिख रहे हैं, कील से लकड़ी के ऊपर एक ओंकार लिख रहे हैं। तो घर बन जाएगा उसके बाद भी अंदर एक ओंकार मम्मी डैडी के हाथ से लिखा हुआ रहेगा, तो कितनी अच्छी बात। आज है 2 अक्टूबर 2022 क्या, और फ्रंट पे भी पापा से एक बार एक ओंकार लिखवा लेते हैं फ्रंट एंट्री पे। और मम्मी पापा ये चाहते थे कि उनका आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहे, बिकॉज पेरेंट्स यही चाहते हैं कि घर में कुछ ऐसा हो कि भगवान की ब्लेसिंग्स रहे। सो उन्होंने अपने तरीके से कुछ सोचा और उन्होंने एक ओंकार एंड ओम जो घर की नींव है, घर की जो फ्रेमिंग है, उसके ऊपर वो बना के गए, सो दैट हमेशा वो रहे घर के अंदर। सो एक बहुत पॉजिटिव वाइब ही आती है सोच के, कितनी अच्छी बात है कि उनके हाथों से कुछ बनाई हुई चीज़ हमेशा इस घर के अंदर रहेगी, जो कि कोई टच नहीं कर सकता। बहुत ही बढ़िया यार, एक ओम भी लिख रहे पापा, ओम ओम। अरे क्या बात है, अरे क्या बात है, ओम लिख दिया ठीक है। एंड जैसा कि हमने बोला कि हम बहुत बार आते थे घर देखने, तो दिवाली के टाइम पे तो स्पेशली आना बनता था ही, तो हम स्पेशली दिवाली पे भी आए थे यहाँ पे, क्योंकि हमें था कि हम दिया जलाएंगे। हाँ, तो दिया तो मतलब वैसे सेफ नहीं होता, तो हमने तो नहीं जलाया, सगन करा था आई थिंक, फिर बुझा दिया था। हाँ, उस टाइम बुझा दिया था, बट एक था कि आके एक बार ही प्रे करके जाना है यहाँ पे कि जब यहाँ मूव हो तो सब कुछ सही रहे, अच्छा रहे सब कुछ यहाँ पे हमारा। तो यार हैप्पी दिवाली हो गई है, ये वाला रास्ता ना बिल्कुल हाईवे से जुड़ा हुआ है, दिवाली के उपलक्ष में खुल गया हमारे लिए भाई साहब। जब भी हम अपना घर देखने आते हैं ना यार, कुछ ना कुछ सरप्राइज मिल जाता है, और आज दिवाली है तो हमने सोचा कि वहां पे थोड़ी सी पूजा कर लें, वहां पे दिया जला दें। अभी हम बोल ही रहे थे कि कुछ नहीं बना होगा, बट आते ही हमें दिख गया स्टेयर्स लग गई हैं फ्रंट, और मनप्रीत को ऐसा खर्ची होता है जिसमें स्टेयर्स पे चढ़ के जाए। बस अब कैंडल चला लेते हैं और अंदर नहीं जाएंगे बिकॉज अंधेरा हो रहा है, अगली दिवाली यही मनाएंगे। और पापा ने जो वो लिखा था एकमकार ओम, वहां पे जाते हैं, मत्था टेकते हैं, थोड़ी प्रेयर करते हैं और निकलते हैं। चलो जी एंट्री करो। वाहेगुरु सतनाम। इस वाली स्टेयर से पहली बार एंट्री कर रहे हैं। नहीं तो हम ना चोरी चोरी ये लकड़ी वाली पर चढ़ के जाते थे। नेक्स्ट ईयर आओ साथ में चलें। और नेक्स्ट ईयर दो बंदे नहीं एंटर करेंगे, तीन बंदे एंटर करेंगे, तो ये भी एक डिफरेंट होगा नेक्स्ट ईयर, राइट? अभी भी तीन बंदे ही कर रहे हैं, बट उस बच्चे को, उसके बच्चे के पैर नहीं हो पा रहे, अभी कदम नहीं रख पा रहे। एंड दूसरी चेंज ये होगा कि तब तक मैं रियल्टर बन चुका हूँगा, तो ये वीडियो तो लेट डालेगा, बट तब तक मैं बहुत लोगों की हेल्प कर चुका हूँगा ऐसे ही घर खरीदने में या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज लेने में। और एक और चेंज बताओ क्या दिखा आपको? वायरिंग हो गई है, वायरिंग हो गई है, इलेक्ट्रिक वायरिंग हो गई है। सो आज है 24 अक्टूबर 2022, अभी आपको दो लोग दिख रहे हैं, लेकिन जब तक ये वीडियो डलेगा तक तीसरा बंदा भी विजिबल होगा। और पापा ने ना बहुत जगह पे एकमकार ओम लिखा था, आपने पिछले वाले शॉट में देखा होगा, सो इसलिए लिखा था कि घर के अंदर ही मतलब हमेशा भगवान का कुछ ना कुछ इंप्रेशन रहेगा और पापा मम्मी की निशानी रहेगी। सो घर जब बन जाएगा हमें पता होगा, माइंड में एक रहेगा कि हाँ अंदर के जो उसकी मेन नींव है, फ्रेम है, उस पे ऊपर उन्होंने हाथों से अपने निशानी छोड़ी है।
सो जैसे हमने बोला था कि इस दो साल में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, तो मनप्रीत प्रेग्नेंट भी हुई थी और ये गुड न्यूज़ भी थी, इसलिए उसकी मम्मी भी कनाडा आई थी। फिर अब टाइम था उनको घर दिखाने का। सो आज है 18 दिसंबर 2022 और आज हमारे साथ हमारी स्पेशल गेस्ट हमारी मम्मा आई हैं, जो फर्स्ट टाइम घर देखेंगी। वो पड़ी हुई है लेकिन दिन में आए हैं, तो आई एम श्योर के अंदर से उनको अच्छे से दिख पाएगा। अनलाइक पिछले कितनी बार हम रात को आते हैं, हम रात को आते हैं और आई होप इस बार भी कुछ नया तो बना ही होगा। जब भी हम आते हैं कुछ ना कुछ नया इन्होंने करा होता है। तो मम्मी को दिखाते हैं घर, अभी तक उन्होंने जस्ट फोटोज में देखा था, तो आप एक्चुअल में दिखाते हैं फिर पूछेंगे कैसा लगा। नया सरप्राइज मिला है, ड्राइव वॉल लग चुकी है। लास्ट टाइम जब आए थे तब वायरिंग हुई थी खाली, सो अब थोड़ा और क्लियरली पता चलेगा कि रूम्स की कितनी बड़ी स्पेसिंग कितनी है, क्या है। मम्मी को दिखाते हैं। हाँ जी बताएं कैसा लगा आपको? बहुत सुंदर, अति सुंदर। खुश हो गया दिल देख के, इतना बड़ा मकान कनाडा के अंदर बहुत सुंदर है। बट वही है, थोड़ा सा ये है कि पापा जी भी देख लेते तो अच्छा होता, बट एटलीस्ट उनको पता था, हमने उनको बता दिया था, और वो हमारे साथ ही हैं यार, मतलब उनको हमने बता दिया था और पेरेंट्स के आशीर्वाद से ही सब कुछ हो रहा है ये, राइट। अब नेक्स्ट टाइम क्या बेबी के साथ आएंगे? हाँ, नेक्स्ट टाइम नहीं आएंगे, अभी तो एक आध बार आएंगे, फिर बेबी को लेके आएंगे। उस टाइम पे शायद बेबी वीडियो देख रहा होगा। बेबी को रूम चूज कराएंगे, पिक करेगा, सेलेक्ट करेगा मेरा कौन सा कमरा है। हाँ। एंड जैसा आप वीडियो में सुना होगा कि हमने बोला था कि नेक्स्ट टाइम हमारे साथ बेबी भी होगा, सो इस बार हमारे साथ बेबी था जब हम घर देखने आए थे। ये जर्नी बहुत इमोशनल और नॉस्टैल्जिक थी। जब मैं वीडियो एडिट भी कर रहा था तो मुझे भी वो इमोशंस फील हो रहे थे कि दो साल पहले हमने ये किया था और ये किया था, क्या कुछ चेंज हो गया दो साल में, एंड फाइनली अब हम घर में हैं। सो लास्ट टाइम हमने आई थिंक मेंशन किया था कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हमारे साथ बेबी होगा, और बेबी आज या कल 2 महीने का हो चुका है। 2 महीने का हो चुका है और पीछे बैठा हुआ है। तो आज इसको हम इसका रूम दिखा देंगे, इसके चरण स्पर्श करवा देंगे, एंट्री करवा देंगे इसकी। और आई थिंक बीच में हम आए नहीं है ना, प्रेगनेंसी में आए थे, और फिर मम्मी को दिखाया था लास्ट टाइम आए तो थे, तो तब तो तब भी तो प्रेग्नेंट थे। हाँ हाँ आया था ये भी, बट अभी ये अपने आप चल के जाएगा, चल के जाएगा, बाकी नहीं आएगा। और हर बार की तरह कुछ ना कुछ इस बार नया घर पे बना ही होगा, और चांसेस है कि पूरा घर ही बन गया होगा, बिकॉज हमें क्लोजिंग डेट मिल चुकी है। सो नेक्स्ट हमें 2 महीने के अंदर मूव करना ही है, बना होगा पूरा घर, बट अभी हम आ रहे हैं स्नो में, तो हमें पता चल जाएगा कहाँ पे स्नो ज्यादा पड़ती है और आगे या पीछे मेल्ट होती है कि नहीं होती। सनलाइट से स्नो ब्लोअर लेंगे और थोड़ा लाइट का आइडिया जो है कि रूम्स में कहाँ कहाँ कितनी लाइट आती है शाम के टाइम। सो सीन हो गया, डोर लॉक है और बिल्डर के ऑफिस में कोई नहीं है, बट बहुत सारी चीजें लग चुकी है नहीं एज यूजुअल। ये लग गया, अपने घर में चोरों की तरह जाग रहे हैं, ऐसे करते थे भाई। स्टेयर्स नहीं थी पहले, स्टेयर्स बन गए प्रॉपर, डोर भी लग गया है, लॉक है, अब हमें चाबी मिलेगी प्रॉपर समय बाद। अबे क्या झाग झाग के लग रहे हो? सो पेंट हो रखा है, नीचे फ्लोरिंग नहीं हुई अभी, शायद टाइल्स लगी है अभी, मेरे को लग रहा है पूरा बन गया। नहीं, अंदर टाइल्स वो नहीं लगी अभी, वो नहीं लगी, यहाँ टाइल्स लग गई है एंट्री पे। ठीक है, गरीब बात पे देखते हैं। बहुत ठंडे नीचे लिविंग एरिया हो गया, टाइल्स लग गया है, वो नहीं लग गया नीचे, वो देखो स्टेयर्स हो गया, बढ़ गया, रॉड लग गया, आयरन गया, इस साइड चोरों की तरह देख रहे हैं स्टेयर्स, वो लग गया पीछे से भी देख के आते हैं। चलो, डेस्परेशन इतनी है कि स्नो में चल के पीछे से भी देखने जा रहे हैं। सीआरटीएम के जवान देखो, आप भी मेरे सीधे रहो। पीछे से भी हमने चेक कर लिया, बैकयार्ड से भी तो पैंट्री दिख रही है, किचन बन चुका है हमारा, मस्त लग रहा है। आइलैंड छोटा लग रहा थोड़ा सा, बट सही है, मम्मा ध्यान से आना। बढ़िया, मस्त मस्त, मजा आ गया। मैडम हाउस टूर दे दो। हाउस टूर हम खुद पहले देख लें, निहार लें जरा। देखो, अगर आपको अंदर से देखा तो आपको रुकना पड़ेगा। हां जी, कैसा लगा ठंड में? आज घर की हमें झलक
देखिए सिर्फ घर नहीं देख पाए फॉर अ चेंज, पहली बार ऐसा हुआ है बट इट्स अ गुड साइन कि सब कुछ अंदर हो रखा है, ऑलमोस्ट सब कुछ बन गया है, तो जल्दी 2 महीने में मिल जाएगा, मिल जाएगा। बेबी को भी नहीं निकाल रहे बिकॉज चरण पड़ चुके हैं उसके, ऑलरेडी ड्राइववे में है, अंदर नहीं लेके जा रहे, वहाँ पे एंट्री नहीं, जो 30 डेज पहले इंस्पेक्शन होती है ना उसमें आएगा, तो तब चरण उसके करवा देंगे। ठीक है, अब आई थिंक अब हम सीधा घर में ही एंटर होंगे जब इंस्पेक्शन होगी, तो मतलब थोड़ा टाइम बाद, एक हफ्ते पहले होती है पीडीए, जो भी है तुम रियल्टर को, रियल्टर से बहस कर रहे हो तुम, 1 वीक पहले होती है, 1 वीक होती है पहले, और तो मम्मी आ सकती है फिर शायद, अनफॉर्चुनेटली मम्मी जो है उनकी फ्लाइट पहले है जब हमने क्लोजिंग करवानी है, तो हम इनको बोल रहे हैं 1 मिनट रुक जाओ आप गृह प्रवेश करवा के जाओ, बट वो कह रही है मेरे हाथ खड़े हैं भाई विंटर से, मैं जा रही हूँ। विंटर खत्म ही नहीं हो रहा, बड़ी बुरी हालत है यहाँ पे, तो यहाँ से स्नो देख ले, चलो हमारा बच्चा उठ गया, जल्दी करो हमारा बच्चा उठ गया, ओए होए होए का हुआ बेटा, ये देखो जी हमारा बच्चा कैसी हसरत भरी निगाहों से देख रहा है। तो आई होप ये 2 साल की जर्नी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि 2 साल से ये वीडियो प्लान था, थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो बनाने की कोशिश करी, अदरवाइज हम सीधा बता सकते थे कि हमने घर ले लिया और ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते थे। ये हमारे लिए भी एक बहुत नॉस्टैल्जिक वीडियो था, 2 साल की जर्नी पूरी हम देख पाए, और भूल जाते हैं 2 साल पहले क्या हुआ था, बट जब वीडियो देख रहे थे ना याद आ रहा था, अच्छा ये हम कर रहे थे, ये हुआ था, तो बहुत अच्छा वीडियो बना है, इमोशनल हो गए थे हम जब भी वीडियो एडिट कर रहे थे। बट डिस्पाइट दैट, कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो रियल स्टेट से रिलेटेड, यू कैन गेट इन टच विद मी, नीचे नंबर होगा, वेबसाइट, QR कोड होगा। जो हमारी सिचुएशन थी जब हमने अपना पहला घर लिया था कैनेडा में, आई कैन अंडरस्टैंड दैट फीलिंग, एंड मैं कनेक्ट कर पाऊंगा फर्स्ट टाइम होम बायर्स स्पेशली, क्योंकि पहला घर लेना कनाडा में बहुत बड़ी बात होती है, एंड उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज लेते रहते हो, ग्रो करते रहते हो, बट पहला जो घर होता है दैट डिसीजन कैन मेक और ब्रेक योर रियल स्टेट जर्नी इन कनाडा। थैंकफुली मेरे मेंटर्स अच्छे थे, मेरे को सजेशन देने वाले लोग अच्छे थे, सो मैं ग्रो कर पाया हूँ, एंड वी विल बी एबल टू हेल्प यू, बिकॉज आपको सबसे पहले मॉर्गेज की जरूरत होती है, विच मनप्रीत विल बी एबल टू हेल्प यू, एंड रियल स्टेट रिलेटेड क्वेरीज आई हैव इनफ एक्सपीरियंस इन रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट, सो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा। फील फ्री, अगर आपको घर लेना है नहीं लेना, गेट इन टच विद अस, थैंक यू सो मच। बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं जिसमें आपको रियल स्टेट की और इन्फॉर्मेशन अब हम शेयर कर पाएंगे, बिकॉज वी हैव अनाउंस दैट वी बॉट अ हाउस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।